ये सबसे पहले हम समझते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें महिला को नियमित रूप से 12 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं और उसके हार्मोन लेवल यानी कि एफएसएच हार्मोन 40 के अधिक हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल 50 के कम हो जाता है इंडियन महिलाओं में आमतौर पर 50 से 52 की उम्र पर मेनोपॉज आता है पर कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मेनोपॉज 40 से पहले आ जाता है

मैनोपॉज की वजह से आ, कुछ समय के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हार्ट डिसीज डिमेंशिया यानी कि भूलने की, की बीमारी होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आइए तो अब हम समझते हैं कि किन महिलाओं में प्री मेच्योर ओवेरियन फेलर या प्री मेच्योर मेनोपॉज होने के चांसेस होते हैं इसका सबसे प्रमुख कारण होता है क्रोमोजोमल या जेनेटिक एबनॉमलिटी होना कई महिलाओं में कई तरह की जेनेटिक एबनॉमिलिटीज़ हो सकती हैं जैसे कि टर्नर मोजाइक सिंड्रोम फ्रीड्रिक अटेक्सिया या एक्सक्रोमोजोम की एबनॉमिलिटीज़ इन सब तरीके के केसेस में महिलाओं को प्रीमेच्योर मेनोपॉज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कई महिलाओं को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो महिला के शरीर के टिश्यू के अंगेज छी बनती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में महिलाओं को हाइपोथारेटिज्म हो सकती है टाइप डायबिटीज़ टाइप वन हो सकती है अगर यह एंटीबॉडीज महिला की अंडों के खिलाफ बनने लग जाएं, तो ऐसी महिलाओं के भी चांसेस होते हैं कि उन्हें प्रीमेच्योर मेनोपॉज जल्दी हो जाए कई केसेस में प्री मेच्योर मेनोपोज की समस्या अनुवांशिक होती है इसका मतलब यह है कि अगर आपके परिवार में माता को या किसी आपकी बहन को प्री मेच्योर मैनोपॉज हुआ है तो ऐसे में पेशेंट को भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज यानी कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कई महिलाओं की लाइफस्टाइल स्टाइल सिडेंट्री होती है या फिर वह जंक फूड का अत्यधिक सेवन करती हैं या स्मोकिंग एल्कोहल का सेवन ज़्यादा करती हैं ऐसी महिलाओं को भी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्री मेच्योर मेनोपॉज़ की जो हम जांच है वो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा और हार्मोन लेवल के द्वारा करते हैं प्री मेच्योर मेनोपॉज में जो एफ एस एच हारमोन होता है वह चालीस से अधिक हो जाता है और इस्ट्रोजन हार्मोन पचास से नीचे आ जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी पे जो महिला के अंडेदानी होती है उसमें अंडे बनना बंद हो जाते हैं अंडेदानी और बच्चेदानी सिकुड़ने लग जाती है आइए अब हम इसका अब हम बात करेंगे कि प्री मेच्योर मेनोपॉज़ या ओवेरियन फेलुअर का प्रभाव फर्टिलिटी पे किस प्रकार पड़ता है जिन महिलाओं को ऑटोम्यून डिसऑर्डर है या कोई क्रोमोजोमल एबनॉमलिटी है या जिनके परिवार में पहले किसी बहन को या उनकी मदर को प्री मेच्योर मेनोपॉज हुआ है तो ऐसी महिलाओं को चाहिए कि वह प्रेगनेंसी कम उम्र में ही प्लान करें अगर वे प्रेगनेंसी को लेटर एज में यानी कि अधिक उम्र में प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन महिलाओं को चाहिए कि वह अपने अंडे या एम्ब्रियो उनको फ्रीज कर दें और उनको बाद में प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं जो महिलाएं ऑलरेडी प्री मेच्योर मेनोपॉज को अचीव कर चुकी हैं या जिनको पहले ही प्री मेच्योर मेनोपॉज हो चुका है ऐसी महिलाओं में नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ऐसी महिलाओं को हम एग डोनेशन की सलाह देते हैं ऐसी महिलाएं आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं